नमस्कार दोस्तों, आज हम पियेंगे नारियल पानी, वो भी प्लास्टिक की बोतलों में से। ऐसा कैसे? ये दो कंपनियां हैं जो कि नारियल पानी बनाती हैं। मुझे दो कंपनियां मिली रिलायंस फ्रेश में और मुझे ठीक लगा तो मैं ले आया एक बार चेक करने के लिए कि ये वर्थ है इनका या नहीं। एक कंपनी का नाम कुछ अजीब सा है, रो प्रेसरी, दूसरी है पेपर बोट। आपको पता है ये पेपर की बोट, ठीक है। ये बोतल बनी है 29 मार्च 2023 को, ये बनी है 4 अप्रैल 2023 को। दोनों ही नारियल पानी है। इसका MRP है 60 रुपये, इसका है 50 रुपये। दोनों 200 ml हैं, लेकिन मुझे ये पड़ी अराउंड 45 रुपये की, ये पड़ी 40 रुपये की। दोनों ही तमिलनाडु में बने हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग जगह से बन के आए हैं। तो देखते हैं क्या ये नारियल पानी जो प्लास्टिक की बोतलों में हमें मिला है, ये अच्छा है या बुरा, पीने में कैसा है। अच्छा, एक बात और, दोनों में ही न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ अलग अलग लिखी हैं। भाई इसमें जो है, इसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यहाँ पे ये जो रॉ प्रेसरी का है, इसमें प्रोटीन लिखा हुआ है इन्होंने 0.38 ग्राम। अब पता नहीं ये किस बिहाफ पे है। और अगर मैं बात करूँ पेपर बोट की, तो जो इसमें है ये कोकोनट वाटर है, वो लिखा है 99%। और उसके अलावा इसमें क्या है, ये आपका शुगर है एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब शुगर डालने की ज़रूरत क्या थी? अब पता नहीं क्यों भाई, इनको कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट की एडिशन लगानी होगी, हो सकता है मे बी। चलो वो इनसे पूछना पड़ेगा, इनको रखते हैं अलग। दूसरा है ये रॉ प्रेसरी का, इसमें कहाँ है इंग्रेडिएंट्स, ये रहे। इसमें आपको कोकोनट वाटर है, 100% है, गुड। इसमें बायो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि वो होंगे ही हर हर खाने के आइटम में, जो पैक फूड है उसमें होगा, ठीक है। दोनों ही तमिलनाडु में बने हैं। आइए इनको एक बार अब चेक करते हैं कि कैसे हैं। भाई देखो, जो नारियल पानी हम पीते हैं वो 60 रुपये का आता है, तो एक बार ये देखते हैं, अगर ये वर्थ हुआ तो फिर ये भी ले सकते हैं, अगर वो ना मिले तो। वैसे तो प्रेफर आप उसी को करिए, क्योंकि वो चीज़ अलग है। ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा सील पैक है। और जो ये बॉटल है, ये पूरी तरह से रिसाइकलेबल है, जबकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो पेपर बोट की बॉटल है ये रिसाइकलेबल है या नहीं। चलिए पहले मैं ये जो ड्रॉप प्रेसरी का है ये खोलते हैं। ओ देखो, दिखने में तो ये कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा है, बाकी एक बार देखते हैं इसको। अब खोलते हैं ये वाली पेपर बोट। इसमें यहाँ पे सील थी, वो मुझसे टूट गई, लेकिन फिर भी ये अभी पैक है। ये देखिए, ये थोड़ा इतना आसान नहीं है इसको खोलना। देखो दिखने में तो दोनों ही सेम लग रहे हैं भाई, कोई फर्क नहीं कर सकता कि इसमें कौन सा किस कंपनी का है या बाहर से है आपने। पहले मैं एक बार ये पी देखता हूँ। ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, क्योंकि इसमें शुगर एडिड है। ये टेस्ट आपको शायद नॉर्मल नेचुरल जो मिलते हैं नारियल पानी, उसमें आपको नहीं मिलेगा ये। और जो ये वाला है, इसका टेस्ट भी थोड़ा सा मतलब मीठा तो है भाई, जो हम नेचुरल होता है नारियल पानी उससे दोनों ही बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। पेपर बोट वाला तो आपको कुछ ज़्यादा ही अलग फील दे रहा है ये। मैं इसको एक बार और बताता हूँ। हाँ, ये तो मतलब कोई ऐसे चीनी मिला रखी है, वैसा इसमें प्रॉपर फील आ रहा है। ये आपको कहीं से भी नारियल पानी नहीं लग रहा। और एक ही बोलिए, ये थोड़ा बहुत कह सकते हो इसको, मतलब ये भी अराउंड मतलब 50% लग रहा है नारियल पानी, 50% नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब जो टेस्ट हम उसमें आता है वो टेस्ट मुझे इन दोनों में ही कहीं नहीं मिला। फिर भी चलो भाई, अब कुछ ना से कुछ तो है ही, लेकिन फिर भी
मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको पीना है तो आप जो नेचुरल नारियल पानी मिलता है बाहर रोड साइड या फिर कहीं भी, आप उसे ही पीजिए, इसको नहीं। और अगर इसको पीना है तो फिर लिमिटेड अमाउंट में, अगर वो नहीं मिलता है तो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।